एक गलती ज़रूर कर रहे होंगे जो कि मैंने भी गलती की, और फिर मैंने उसको सुधारा और नोटिस भी किया और उसका ध्यान भी रखूंगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर से चले। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी SSC CPO और SSC GL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक गलती जो कर रहे हैं, और वो गलती हम सब पर बहुत ही भारी पड़ सकती है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो हम सब ये जानते हैं कि एग्ज़ाम का, देखिए SSC CPO का एग्ज़ाम आ ही गया है, एक हफ्ता बचा है, एक तक को समझ लो है। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, तो अब मॉक टेस्ट ही लगाएंगे, क्योंकि ये तैयारी तो बाकी चीज़ें हो गई हैं। तो मॉक टेस्ट में आप लोग एक गलती ज़रूर कर रहे होंगे जो कि मैंने भी गलती की, और फिर मैंने उसको सुधारा और नोटिस भी किया और उसका ध्यान भी रखूंगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर से सिलेक्शन हो जाता है और एक नंबर से हम रह जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी कई बार हमारे साथ हो जाती हैं। तो मैं ये चीज़ बता दूँ, जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपने कहीं नोटिस किया होगा, अगर आप अपना मॉक टेस्ट के बाद अगर अपना एग्ज़ाम चेक करते होंगे कि मैंने क्या गलती की है और कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत है, तो अगर आप ये चेक करते होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं पर वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं कि नंबर किस चीज़ में कट गए मेरे, कि कितने क्वेश्चन में आ रहे थे, मैंने कितने करे हैं, तो आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएं तो सबसे पहले जाके आप चेक करें कि कितने आपके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं और क्यों गलत हैं, क्या रीज़न है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि हम अक्सर क्या करते हैं, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि देखिए एक भी नंबर अगर आपका कट गया तो बहुत ही ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर से सिलेक्शन हो जाता है और एक नंबर से ही आपका रिजेक्शन हो जाता है, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। और दोस्तों दूसरी बात पे हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है। देखिए जब हमारा CBT एग्ज़ाम होगा तो सबसे पहले तो टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं जिनसे हमारा पूरा दिमाग कभी कभी तो ब्लैंक भी हो जाता है, एकदम सुन्न पड़ जाता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम आपको अपने माइंड चीज़ का आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारा CBT एग्ज़ाम होगा तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो टाइमिंग का इशू होता है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है। तो मॉक टेस्ट से वो आपका टाइमिंग का जो इशू है वो आप लगाइए, जितना जल्दी आप लगा पाएंगे, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और टाइम मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चन वहाँ पर लगाएंगे जब एग्ज़ाम में, तो ऐसा ना हो कि आपके पास क्वेश्चन तो आपको आ रहे हैं लेकिन आप टाइम की वजह से नहीं कर पाए। तो अगर देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी होती, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं कि XY फलाना टाइम का, कई सारी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं होते क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से हम बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, एक क्वेश्चन में कम से कम ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो करने हैं, उसके बाद दूसरे करने हैं, बाद में जब टाइम निकले उसके बाद वो हमें करने हैं। तो इसलिए जो आपको आ रहे हैं वो फटाफट करते जाइए, बाकी जो दूसरे हैं वो आपको बाद में करना है, जो आपको मतलब या तो उनमें टाइम लग रहा है या फिर जो आपको नहीं आ रहे हैं, फिर बाद में आप उसको सॉल्व करके देखना चाहते हो तो उसको बाद में करिए। और एक चीज़ और गलती हम कर रहे हैं कि जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो क्या होता है कि हमें आंसर पता है, सही आंसर भी पता है, लेकिन जल्दबाजी में हम क्या कर देते हैं कि जैसे कि कथन वाले क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो वो जब हम लगा रहे हैं तो वो या तो हम गलती से उसमें, क्योंकि उसमें ऐसे आंसर ऐसा आता है कि फर्स्ट या सेकंड दोनों ही अनुसरण करता है या फर्स्ट अकेला करता है, तो क्या गलती से हम ना आंसर सही दिमाग में सही लगा रहे हैं लेकिन टिक गलती से किसी और पे कर देते हैं। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आंसर तो आपका सही है, आपको पता है कि सही है, लेकिन क्या है जल्दबाजी में हम किसी और को टिक कर देते, तो उस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक नंबर भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपने माइंड में बिठा लीजिए कि जब भी आप एग्ज़ाम दें तो ये चीज़ सोच के करें कि आंसर अच्छे से देख के क्लिक करें उस पर, ये नहीं कि बस हाँ धुन में लगा दिया कि सेकंड पढ़ गया लेकिन ये नहीं देखा कि मैंने 2 पे लगाया कि 3 पे लगाया, तो ये गलती ना करें, क्योंकि ये गलती बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पसीना आ रहा है मुझे, गर्मी लग रही है, फैन चल रहा है लेकिन फिर भी गर्मी बहुत है। तो इन चीज़ों का दोस्तों बहुत ध्यान रखना है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं भी कोई चीज़ कर रही हूँ तो अगर मुझसे भी कोई गलती हो, अगर मुझे कोई बताए तो मैं भी उस चीज़ को सुनूँ और समझूँ। तो मुझे लगा कि अगर आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। भले ही ये वीडियो आपको अच्छा लगे कि अरे ये तो हमें पता है, लेकिन फिर भी आपको जब आप एग्ज़ाम देंगे तो कहीं ना कहीं 1% भी अगर ये बात मेरी आपके माइंड में क्लिक करेगी तो हो सकता है कि आपके लिए हेल्प कर जाए और एक नंबर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और शायद उससे आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो वो भी प्रिपरेशन करें, ये नहीं सोचे कि भाई उनका हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचें, अपने मन में सबके लिए अच्छा ही सोचें, अच्छा आपके साथ भी होगा। तो बस इसी मेंटेलिटी के साथ काम करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर। हाँ एक और बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप दीदी वीडियो नहीं बना रही हैं, ब्लॉग नहीं बना रही हैं, फिटनेस वीडियोज़ ही सिर्फ बना रही हैं या फिर लॉन्ग वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रही हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए मेरे एग्ज़ाम है, एक हफ्ता बचा हुआ है तो उतना टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि
कंसिस्टेंसी बनाए रखूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाती रहूँ कुछ ना कुछ, फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं कर ही देती हूँ, वीडियो बना ही देती हूँ। तो बस थोड़ा सा वेट करें, मेरा एग्ज़ाम हो जाए तो फिर मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। बस दुआ करें आप लोग, प्रार्थना करें मेरे लिए कि अच्छा एग्ज़ाम जाए, क्लियर हो जाए जल्दी से। और बाकी तो मैं तैयारी करी हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा, बस अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और बाकी तो वीडियोज़ का तो ऐसा कि कभी भी बना लेंगे, एग्ज़ाम है ही, एक बार बार नहीं आएंगे, और बहुत ही ज़रूरी भी है, मेरा ड्रीम भी है वो, तो इसलिए मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लेट कर पढ़ते होंगे, उनकी हैबिट होगी, या फिर बिल्कुल आलसी पन ऐसे लेट डाले रहते, तैयार बस किताब खोले ऐसे आला सारा वहीं सो गए, तो वो चीज़ का नहीं करना है आपको। सबसे बड़ी कुछ टाइम बचा है तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। मैं भी पहले ऐसे लेट के तब पढ़ती रहती थी किताब से, फिर वहीं नींद आ गई तो सो गई, तो उस चीज़ से बहुत ही आलस आता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और क्योंकि मैंने भी देखिए, आप देख सकते हैं मेरी टेबल रखी हुई है उधर पे, चलिए मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये टेबल रख ली है, क्योंकि यहाँ पे अगर बैठ के भी अपन कर रहे हैं तो थोड़ी देर में तो अपन लेट ही जाते हैं कि चलो लेट के पढ़ लेते हैं, तो लेटना नहीं है। इस तरीके की छोटी टेबल ले लें, अगर आपके पास बड़ी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, स्टडी टेबल। तो इस तरीके की टेबल आप लोग ले रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एक नंबर से आप जानते हैं कि एक नंबर से रुक जाते हैं हम और एक नंबर से हो भी जाएगा हमारा, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, सब लोग का अच्छे से एग्ज़ाम जाए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।